बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं YouTube फैमिली आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ मैंगो फालूदा। आज मैं प्रीमिक्स को इस्तेमाल करके मैंगो फालूदा बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने मैंगो फालूदा का प्रीमिक्स ले लिया है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। तो चलिए फालूदा बनाना स्टार्ट करते हैं। फालूदा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 लीटर गाय का दूध। इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 कप चीनी। चीनी मैंने कम इसलिए डाला है कि जो हमारा प्रीमिक्स है उसमें भी चीनी होता है और फालूदा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। अब इस दूध को हम उबालेंगे। दूध अब उबलने लगा। अब गैस को फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे, क्योंकि अगर ये हाई रहेगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा और दूध गिर जाएगा। तो हमने फ्लेम को लो कर दिया है। फ्लेम को बंद नहीं करना है, लो करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रीमिक्स का पैकेट में क्या है। इसमें है किशमिश, सेवई और पाउडर सब्जा का बीज। तो उबलते दूध में अब हम पाउडर को डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको इसी तरह चलाते हुए कम से कम हम 15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। पंद्रह मिनट हो चुका है हमारे फालूदा को पकते हुए और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ी देर और पकाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो फिर हम फ्रीज में इसको रख देंगे बिल्कुल चिल्ड होने के लिए, क्योंकि फालूदा हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। और जब तक हमारा फालूदा ठंडा होता है, मैं यहाँ पे भिगो देती हूँ बेसिल सीड। इसे हम सब्जी के बीज भी कहते हैं। तो 1 कप मैंने पानी लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 2 छोटी चम्मच सब्जी के बीज। 1 घंटे तक मैं इसे भिगो के रखूँगी। इसे अच्छे से स्पून से मिक्स कर देंगे ताकि पानी और सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए, ये अपना कलर अभी चेंज करने लगा। मैंने यहाँ पे लिया है 2 पका हुआ आम। इसको हम अच्छे से छील लेंगे। तो देखिए, मैंने छीला भी है। ये बहुत टाइट आम है और बहुत आसानी से ये छिल जाता है। तो देखिए, मैंने कितने अच्छे से इसको छील लिया है। ये टाइट होने की वजह से ना बहुत अच्छे से छिल जाता है। अब हम इसके पीसेस बना लेंगे। आम के टुकड़ों को मैंने यहाँ काट के रख लिया है। अब हम इसका प्यूरी बनाएंगे। प्यूरी बनाने के लिए मैं इसे ग्राइंडर के जग में डाल दूंगी। अब बिना कोई पानी या दूध डाले बगैर मैं इसका प्यूरी बना लूंगी। तो देखिए, मैंने ग्राइंडर जग में आम को डाल दिया है। अब मैं इसका प्यूरी बना लेती हूँ। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए हमें कोई भी पानी या दूध इसमें नहीं डालना है, क्योंकि आम का प्यूरी बनाना बहुत आसान होता है और ये बिना पानी या दूध डाले भी बन सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैंगो प्यूरी बना के रख लिया है। फ्रिज से मैंने फालूदा को निकाल लिया है और देखिए, बिल्कुल ठंडा है हमारा फालूदा। अब मैं इसमें डालूंगी मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने और भी ज़्यादा इसमें मैंगो प्यूरी डाल दिया है और मैंने इसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा प्यूरी मैं बचा के रखूंगी। और देखिए, हमारा फालूदा कितना अच्छा लग रहा है। मैंगो प्यूरी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मिक्स किया सब्जा का बीज, और थोड़ा सब्जा के बीज मैंने बचा के रखा है। और देखिए, ये देखने में ही कितना यमी लग रहा है और यकीन मानिए, ये पीने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने लिया है 1 कप। इसमें मैं डाल देती हूँ सब्जा का बीज। पांच छोटी चम्मच मैंने डाला है सब्जा का बीज। अब मैं इसमें डालूंगी फालूदा। फालूदा डालने के बाद मैं डालूंगी इस पे मैंगो प्यूरी और कुछ आम के टुकड़े सिर्फ डेकोरेशन के लिए। तो आप भी अपने घर पे बनाइए और इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करिए।
आप भी अपने घर पे बनाइए मैंगो फालूदा और सबको पिलाइए। यकीन मानिए कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।